तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा देखेंगे कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका पेपर बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने यहां से इस क्वेश्चन पेपर को देख लिया, जान लिया, पूरा समझ लिया। तो देख सकते हो इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में मिलने वाला है। अब चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में मिलेगा, यहां से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार के मैं आपको बताऊंगा ना, इसी प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, ताकि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो यहां से आप लोग देख सकते हो कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है सामाजिक विज्ञान विषय का। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जगह पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 8 पेज प्रिंटेड होंगे और टोटल आपका 75 नंबर का पेपर होने वाला है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। 101% जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आप सभी की कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा के लिए सारे विषय के वीडियो बना दिए गए हैं। आप सभी ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें लिंक दे रखी है, या फिर आपको इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन के रूप में भी वो चीज़ें मिल जाएगी। तो आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके अपने कक्षा नौवीं के समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लो, ताकि आप सभी लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जो कि कक्षा नवी का है, और इसके बाद में यहां पर आप सभी को निर्देश वगैरह पढ़ने को मिलेंगे। तो यहां से आप लोग इसको देख ले पूरा और समझ ले। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। ए टू जेड पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपके पेपर की शुरुआत होती है। आप सब लोग यहां से इसको देख लेंगे और पूरा पेपर समझ लेंगे, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे नंबर प्राप्त कर सको। तो देखो इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। क्या क्या आपसे पूछा जाएगा पेपर में, ए टू जेड चीज़ें आज मैं आपको यहां से बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा पेपर देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चयन कीजिए। तो देखो सही विकल्पों का चयन यहाँ से आपको करना है। पहला क्वेश्चन, अरब सागर में कौन सा द्वीप है। तो देखो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है लक्षद्वीप, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या होगा, अमरकंटक इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप लोग अमरकंटक पे चिन्ह लगा ले। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, प्रथम विश्वयुद्ध कब लड़ा गया। तो देखो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्वयुद्ध लड़ा गया था। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद में पाँचवा क्वेश्चन, करीब ने गांव में कौन सा केंद्र खोला था। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा कंप्यूटर केंद्र उसने करीब ने गांव में खोला था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा गुजरात राज्य से है, किससे, गुजरात से। तो इसका उत्तर यहाँ से आप लोग ये नोट कर लो पूरा का पूरा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये आपको अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए दिया गया है। वैसे आपका जो पेपर हुआ ना सामाजिक विज्ञान का, वो हिंदी में भी छपा होगा और अंग्रेजी में भी छपा होगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है ना, वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक ही पेपर पूरा का पूरा बनाया जाता है। तो अभी हमने इतना इसको देख लिया पूरा, अब इसके बाद के बाकी के क्वेश्चन और उनके आंसरों को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 2 लिखा, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूछा गया है। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे आपको पूरी करनी है। पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना गंगा। दूसरा क्वेश्चन, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या कहलाता है, इसे कहते हैं प्रवास। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, प्रवास। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान 400 बाघ मारे थे। कितने मारे थे, 400 बाघ उसके द्वारा
मारे गए थे। 14 क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, ये कथन किसका है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये कथन है अब्राहम लिंकन का। किसका? अब्राहम लिंकन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पांचवें नंबर का, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में बना। क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर? वर्ष 2005 में बना। छठा क्वेश्चन, भारत में सबसे भयंकर अकाल बंगाल राज्य में पड़ा। कौन से राज्य में पड़ा था? बंगाल राज्य, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से देख लो पूरा और इसको समझ भी लो। उसके बाद में देखो, ये आपके अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए दिए गए हैं, यहाँ से आप लोग इनको देख लेंगे पूरा। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 3 में आपको जोड़ी का मिलान दिया गया है, तो जल्दी से आप लोग यहाँ से जोड़ी को भी देख लें और पूरा इसको समझ भी लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी मिलान में आपको कैसे मिलान करना है पूरा का पूरा आज हम यहाँ पर देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जनगणना, प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। तो यहाँ से आप लोग इसकी जोड़ी इससे मिलान कर लो। वर्साई की संधि 1929 में हुई। उसके बाद में हिटलर का जन्म 1889 में हुआ। उसके बाद में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। गैर कृषि कार्य क्या होगा? डेयरी। तो यहाँ से आप लोग डेयरी के ऊपर चिन्ह लगा लो। उसके बाद में गेहूँ क्रांति इंदिरा गांधी के समय हुई थी। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। जिस प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में, परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप सब लोग यहां से इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 मैंने आपको यहां से अच्छे से बता दिया पूरा, और इसके बाद में देख सकते हो यहां पर ये इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए ये चीजें दी गई हैं। तो यहां से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 4 को पढ़ लें, जिसमें कि आपको क्या दिया गया है? एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर यहाँ से आपको लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा लूनी नदी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको कहते हैं लू। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा केरल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किस देश की संसद को ड्यूमा कहते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर होगा रूस की संसद को। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, भारत में वोट डालने की उम्र क्या है? तो देखो इसका राइट आंसर लिख लो 18 वर्ष। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 29। 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ से आप लोग इसको याद रखें पूरा का पूरा। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को पूरा देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप सब लोग इसको देख लो। प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है? तो देखो बिल्कुल सत्य होगा। वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो देखो यह भी सत्य होगा। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहते हैं? तो देखो यह असत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखो, अमेरिका का एक लोकतांत्रिक देश है? तो देखो ये भी सत्य होगा। चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती, असत्य होगा। पालमपुर के किसानों को दो फसल उगाते, तो ये भी आपका असत्य होगा। तो ऐसा आप सब लोग इसको देख लो पूरा। इस प्रकार का आपका पेपर होगा और ये आपके पेपर का कोड होगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लोगे। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है, 8वां क्वेश्चन ये लिखा है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। 8वां प्रश्न ये लिखा है, 9वां प्रश्न ये दिया गया है, 10वां प्रश्न ये लिखा है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे का पेपर कुछ आपका इस प्रकार का होगा। यहाँ से आप सब लोग देख लें, 11वां क्वेश्चन ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख लेंगे। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 13वां क्वेश्चन ये लिखा है, 14वां क्वेश्चन ये लिखा है, 15वां ये लिखा है। उसके बाद में यहाँ से आप लोग देख लें, 16वां क्वेश्चन ये है, 17वां ये है, 18वां क्वेश्चन ये लिखा है, 19वां ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 20वां 21वां क्वेश्चन ये लिखा है और 22वां क्वेश्चन ये दिया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में, परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसा कि आज मैंने यहाँ से आपको बताया। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने सभी विषय के क्वेश्चन पेपर आपके नहीं देखे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।